खुश तो उसी दिन होंगे जिस दिन ये फांसी पे लटक जाएंगे 3 मार्च को, क्योंकि खुशी मिली थी जब पहला डेट वारंट जारी हुआ था। लेकिन उसके बाद हमें इतनी चुनौतियां पार करनी पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, पटियाला कोर्ट तक। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि हमारा संघर्ष उसी दिन खत्म होगा 3 मार्च को, जब वो फांसी पे लटकेंगे। नहीं, अब शक नहीं है, क्योंकि मैं एक एक डेट को फॉलो करती हूँ, एक एक बात वहाँ सुनती हूँ। तो अब मुझे कोई शक नहीं है कि अब उनको ये फांसी का डेट टलेगा, क्योंकि उनको बहुत समय दिया गया है। लेकिन वो एंड मौके पे आके कुछ करते हैं कि नहीं, हमारे पास ये है। कल भी उन्होंने पूरी कोशिश की, एपी सिंह ने कि पूरी कोशिश की कि आज भी डेट वारंट जारी नहीं हो। मुकेश का फाइनली सब कुछ खत्म हो गया है, उसकी राष्ट्रपति जी की मर्जी जो खारिज हुई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खारिज हो गई है। लेकिन फिर भी उसके माँ को ले आके खड़े किए कि मैं बिंदा ग्रोवर को जी को नहीं रखूंगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ऑलरेडी अब फिर भी उसको वकील, वही जो पवन के वकील हैं, उनको कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं कल पूरी कोशिश थी उनकी आकि नहीं, हम इस डेट को जारी ना होने दे। लेकिन फाइनली जज साहब ने उनको समझाया और डेट वारंट जारी कर दिया।